साहस सरोकार। शाहरुख की फिल्म का हिंदू संगठनों ने किया विरोध, पुतला दहन कर फिल्म बैन करने की मांग की। आवारा पशुओं से परेशान किसान तहसील परिसर पर किया धरना प्रदर्शन। स्कूली छात्रों ने किया प्रदर्शन, स्टाफ की कमी से नाराज है छात्र। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर पर मारा छापा, प्रतिबंधित गर्भपात कराने वाली दवाएं भी बरामद। शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर विवाद, झगड़े में कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर आगरा से है जहां अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध कर पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि फिल्म पठान सनातन धर्म के खिलाफ है और प्रशासन से फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। इस दौरान हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के जिस तरीके से ये शाहरुख खान है, जो अगला खान है, इसने सनातन परंपरा पर ये लगातार कुठाराघात करता है और सनातन परंपरा को लेके इसने अभी एक मूवी बनाई है पठान। इसमें जो है दीपिका पादुकोण को अर्धनग्न अवस्था में दिखाया है भगवा रंग के कपड़े के साथ में। हम आज इस प्रकरण को लेके हमने आज पुतला दहन किया है तथा आगरा के समस्त जो टॉकी संचालक हैं, जो मॉल संचालक हैं, उनको सख्त चेतावनी है कि इस फिल्म को अपने रिस्क पर लगाएं। यदि 25 तारीख को ये फिल्म रिलीज होती है और इन लोगों ने लगाया तो उस हॉल का, उस मॉल का नक्शा बदल दिया जाएगा। साथ में ये भी कहना है कि जो देखने आए वो अपने रिस्क पे आए। देखिए, जिस तरीके से पठान फिल्म जो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के उसमें बनी अभिनेता के रूप में इन्होंने केसरिया दुपट्टा जिस तरीके से अंग वस्त्रों पर लगाकर और नृत्य किया है, यह बेहद सनातन धर्म का बहुत बुरी तरीके से अपमान किया गया है। अगर इसकी जगह केवल हरा कपड़ा पहन के अपने अंग वस्त्रों को ढकती तो हिंदू महासभा इसके इस फैसले का हम लोग स्वागत करते, फिल्म को भी हम जोर शोर से देखते, लेकिन सेंसर बोर्ड जिस तरीके से आँखें मूंद लेता है, वह चाहे भगवा का अपमान हो, चाहे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो, जिस तरीके से सेंसर बोर्ड अपनी आँखें मूंद लेता है, सेंसर बोर्ड को यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरे देश में मोदी और योगी का राज है और यहाँ पर सनातन धर्म का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। और अगर यह फिल्म पूरे ज़िले में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शित हुई तो आगरा ज़िले में जो हॉल मालिक इस फिल्म को दिखाएगा वो अपने रिस्क पर दिखाए। अगर ये फिल्म हॉल में लगी तो इस फिल्म का नक्शा बदलने का काम हिंदू महासभा करेगा। खबर फरीदाबाद से है जहां सराय के सरकारी स्कूल के छात्रों ने 3 महीने से स्कूल में टीचरों के स्टाफ की कमी के चलते नाराज छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और नेशनल हाईवे के 19 को पूरी तरह से जाम कर दिया। लगभग 1.5 से 2 घंटे चले प्रदर्शन में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मौके पर नाराज छात्रों से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन देकर प्रदर्शन शांत करवाया। बाबूजी, कितनी देर हो गई जाम लगे? आधा घंटा हो गया। और किस वजह से जाम लग रहा पता हो? स्कूली बच्चे सरकारी वाले सब। अच्छा, उन्होंने जाम लगा रहा? वही जाम लगाए हैं, मास्टरों का कमी है। अच्छा अच्छा, कमी से हो रहा है। अच्छा ठीक ठीक है, फोन करे डीसी ऑफिस के लिए, कोई फोन नहीं कर रहा है। अच्छा, थाने में 4 बार फोन किया, 112 में 8 बार फोन किया मैंने, कोई सुनने को राजी नहीं। यहाँ पे पेशेंट मेरी गाड़ी में फंसा हुआ है, कोई सुनने को राजी नहीं। कितनी देर हो गई बाबूजी आपको? ये हो गया 8:15 बजे से, 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे। अच्छा, निकल जा रहे हैं, ईशन में पैंट थी मेरी। जाम पता किस वजह से लगा हुआ है? किस वजह से जाम है कोई बताए, सुनने को राजी नहीं। खबर फरीदाबाद से, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए केएम मेडिकल स्टोर संचालक महेंद्र को गर्भपात कराने की प्रतिबंधित दवाएं बेचने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्टोर पर बिना किसी डॉक्टरी सलाह के गर्भपात के प्रतिबंधित दवाइयां बेची जा रही थी। सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर स्टोर संचालक महेंद्र से 1,000 रुपये देकर गर्भपात करने की दवाई ली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उसे
गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पीएनडीटी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे मामले को स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। बिजनौर में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 200 से अधिक पशुओं को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नगीना तहसील परिसर में पहुंचाया और पशुओं को तहसील में बांधकर धरने पर बैठ गए। समस्या के समाधान न होने तक ठंड के बीच किसान रात भर तहसील में ही धरने पर डटे रहे और प्रशासन से बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग की। जो आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम चला रखी है, इसमें क्या कहना चाहते हो? इसमें कहना यह है कि सरकार अपने इन आवारा पशुओं को पकड़ने में नाकाम। आवारा पशुओं ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया है, इसलिए बाकियों ने आह्वान चलाया है कि जो भी किसानों के खेतों में आवारा पशुओं ने पकड़ के निकटवर्ती अधिकारियों के कार्यालयों में भर दिया जाए। अगली क्या मुहिम? अगली जो रणनीति है वो ये है कि अभी ब्लॉक और तहसील पर चला जा रहा, अगर नहीं है प्रशासन चेतता तो मंडल के सभी जिलों के कलेक्ट्रेट में जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में आवारा पशु बांधवाए जाएंगे। खबर बुलंदशहर से है, जहां बिरौली गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर लड़की पक्ष की आपस में बहस हो गई और जमकर मारपीट की गई, जिसमें एक युवक को चाकू मार दिया गया और अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया तो वहीं एक युवक की रास्ते में मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जाँच पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जहांगीराबाद में एक श्रीजी फार्म हाउस है, जहां पे हापुड़ से एक बारात आई। बारात में रात को लगभग 11 बजे डांस डीजे पे कर रहे थे, उसी में कन्या पक्ष के ही दोनों ग्रुप हैं, उनमें कुछ कहा सुनी हुई, जिस पर किसी नुकीले ऑब्जेक्ट से हमला कर दिया और तत्काल लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पे 302-307 IPC का मुकदमा, 4 ज्ञात और 1 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर दिया गया है। 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। खबर फरीदाबाद से, जहां जवाहर कॉलोनी में प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना को सरकारी राशन की दुकान पर कोटाधारक मनमानी कर रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत जारी राशन को कोटाधारक जरूरतमंदों के बजाय निजी हाथों में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पूरे मामले की SIT से जांच कराने पर 400 करोड़ रुपए से अधिक का गबन सामने आया है। और आपको बता दें, मैं गेहूँ उधर जो है ना पर्वती कॉलोनी में जी मनोज जी उससे लेती थी, ठीक है। 3 साल हो गए मेरा कार्ड काट दिया, सुनो इनके पास भी आई थी मैं जी। 3 साल हो गए मेरा कार्ड काट दिया इन्होंने जी। बोले कि राशन नहीं, BPL का कार्ड है मेरा, लड़कियों के साथ बना हुआ जी है, और मेरे को राशन नहीं मिला। दुनिया ने फ्री का राशन खाया, डबल डबल राशन खाया, मेरे को राशन नहीं दिया इन्होंने। गेहूँ ना मिल रहे जी, क्या देखा आपने? रिक्शा में जा रहे गेहूँ, तो कौन से डिपो का माल था ये? किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? सबे राशन मिलना चाहिए, गरीबों का राशन था वो, गरीब को राशन मिलना चाहिए। ये चक्कियों पे बेच देते हैं, मिलता है, चक्कियों पे बेच देते हैं राशन। बोलते हैं तेरा फिंगर नहीं लगता। खबर गोंडा से है, जहां परसपुर ब्लॉक समेत 68 ग्राम सभाओं के विकास कार्यों के नाम पर प्रधान और सेक्रेटरी ने 12.50 करोड़ रुपए का गबन किया। ऑडिट टीम ने संबंधित प्रावधानों और सचिवों के अभिलेखों की जांच पड़ताल में पाया कि वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 में घोटाला किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों ने ईश्वराज ऐप और पपत्रों पर धनराशि को हड़पने के लिए दस्तावेज तक तैयार नहीं कराए। जिला पंचायती राज अधिकारी लालजी दुबे ने कहा कि ऑडिट टीम द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 12.5 करोड़ रुपए की गबन की बात कही गई है, जिस पर संबंधित ग्राम सचिवों को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर अभिलेख जमा करने व जवाब देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल के बाद जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा उस पर विधिक कार्रवाई कर रिकवरी कराई जाएगी। खबर हरदोई से है, जहां इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मनान के अध्यापक और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण छुट्टी के बाद कक्षा 1 का एक छात्र स्कूल परिसर में बंद ही रह गया। परिजनों ने स्कूल की छुट्टी होने पर छात्र के वापस न आने पर काफी खोजबीन के बाद छात्र को प्राथमिक विद्यालय में कमरे में बंद पाया। प्रधानाध्यापक ने पूरे मामले में बचाव करते हुए कहा कि कक्षा के बाहर सभी छात्र क्रियाकलाप कर रहे थे, छात्र विनय क्लास में ही सो गया और घटना के वक्त वह विद्यालय में उपस्थित नहीं थे। स्थानीय ग्रामीणों
ने बताया कि विद्यालय में एक शिक्षा मित्र के अलावा अन्य कोई स्टाफ उपस्थित नहीं था। पीड़ित परिजनों ने बीआरसी कार्यालय पहुंचकर विद्यालय प्रधानाध्यापक और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जब छुट्टी हो गई तब हाथ पैर धोने बच्चा फिर चले गए बस्ता उठा के। और तुम कहाँ थे? हाँ अंदर रहन। अंदर क्या करते हो? अंदर रो रहे रहन। अच्छा कोई सुने नहीं? अच्छा केमिकल लगा रहे हैं। जो है मेरा बच्चा छुट्टी होने के बाद भी जो है घर नहीं आया। मैं उसके बाद 2 घंटे बाद जो है देखने गया तो उसमें जो है मालूम हुआ कि यहाँ पे बंद है। तो हमने ढूंढने गए तो जो है उसमें बच्चा मुझे बंद मिला। तो केके की टोरी गई तो उसमें बच्चा जो है धोते हुए मुझे मिला। उसके बाद वो बाथरूम और जो है दांत आत में चोट होती ये सब जो है दिखती रही उसमें। हम फिर उसके बाद मास्टर को लेने गए तब जो है ताला खुला। उसके बाद बच्चे को 2 घंटे बाद निकाल के खेल ला पाए। खबर कानपुर से है जहां समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी पर थानों में 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 2 मामलों में चार्जशीट लगा दी जबकि 2 मामलों में विवेचना की जा रही है। 9 साल पुराने पिपुल रिप्रेजेंटेटिव मामले में पुलिस चार्जशीट लगाने की तैयारी कर रही है तो वहीं 7 साल पुराने केस में सपा विधायक पर जांच पुनः कराने के निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही बांग्लादेशी डॉक्टर रिजवान को कानपुर की नागरिकता दिलाने के केस में जांच की जा रही है। आरोप है कि नागरिकता लेटर पैड पर सपा विधायक सोलंकी और पार्षद मन्नू रहमान के हस्ताक्षर हैं। पुलिस अधिकारियों ने सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी से पूछताछ के लिए रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कुल 13 मामले इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर में हैं, जिनमें से 2 मामलों में हमने अभी चार्जशीट लगा दी है। 2 मामले विवेचनाधीन हैं। 9 मामले पहले के हैं जिनमें से 2 मामले पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के वायलेशन से रिलेटेड हैं जो पेंडिंग थे, जिनके प्रकरण में भी चार्जशीट फाइल की जा रही है। और बाकी 7 मामले पुराने हैं, उनमें अंतिम जो विवेचना का आउटकम होता है वो कोर्ट को शामिल किया सबमिट किया जा चुका है। तो सभी उन पुराने मुकदमों को भी एक बार देखा जा रहा है। मुझे जितना लगता है कि आने वाले 3-4 दिनों में जो अभी चार्जशीट नहीं हुए हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के, वो मुकदमे भी चार्जशीट हो जाएंगे और बाकी जो विवेचनाधीन मुकदमे हैं उनमें तेजी से विवेचना करके कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। खबर संभल से है जहां स्वास्थ्य विभाग में तैनात चतुर्थ कर्मचारी चिकित्सा अधिकारियों की परमेडिकल बनाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। मेडिकल बनवाने के नाम पर कर्मचारियों का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी मेरी जानकारी में आपके माध्यम से मैंने देखा है कि कोई वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच करके निष्पक्ष तरीके से जो उचित कार्रवाई हुई की जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।